अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इरफान करीम एंड वेलकम टू माय चैनल फूडी भाई। व्यूअर्स, इस वक्त हम आए हुए हैं बरकत मार्केट लाहौर। इधर आके तो मैं बड़ी देर बाद इस एरिया में आया हूँ, इधर आके तो मैं परेशान ही हो गया। ये तो टोटल फूड स्ट्रीट टाइप बनी है मार्केट। अगर आपको थोड़ा सा हम दिखाएं, थोड़ा सा व्यू देखें आप। हर तरफ खाना ही खाना है, खाना ही खाना। बेसिकली हम इधर आज कवर करने के लिए आए हैं बिरयानी किंग एंड बर्गर। इधर की हमने दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है, एक है इनका इटालियन स्टेक एंड द सेकंड थिंग इज ग्रिल पटोला सैंडविच। बड़ा ही डिफरेंट किस्म का नाम है और सुनने में आया बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार टेस्ट है। तो फिर व्यूज़ क्या कहते हैं आप, चले और ट्राई करें ये दोनों चीज़ें। ले जी बॉस, फिर लेट्स गो। तो स्टेक आपने रगड़ पकड़ ली है तो स्टेक का तो पूछे ही ना। अच्छा, तो कैसी लगी है स्टेक भाई? स्टेक बहुत जूसी थी। अच्छा, टेस्ट भी बड़ा अच्छा था। यानी फुल टाइम फर्स्ट टाइम आए? अच्छा, फर्स्ट टाइम आए। फर्स्ट टाइम आए, आगे हमने ट्राई की है स्टेक। अच्छा, बट इट्स बेटर देन अदर। 9/10 में से 9। यानी कि हमारे व्यूअर्स को रिकमेंड करेंगे कि आके स्टेक ट्राई करें। जरूर, क्यों नहीं। इनका फूड जो है ना, एक तो साफ सुथरा होता है, बेहतरीन होता है और खाने के काबिल होता है, और दूसरी बात यह इनकी क्वांटिटी और रेट वाइज ये सबसे बेस्ट फूड। 10/10 मार्क्स। 10/10 यानी कि स्टेक और सैंडविच पास है आपके? पास है।
मेरे पास ये रफी भाई हैं, ये इधर के ऑनर हैं और इधर के मैनेजर भी हैं, सारा कुछ यही मैनेज कर रहे हैं। आए इनसे पूछेंगे इधर के टेस्ट का क्या राज है। और रफी भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। रफी भाई क्या राज है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जो इतना रश है और इस चीज़ का टेस्ट का क्या राज है? उसमें देखें कि सबसे पहले इसमें हमें ये को मेरी कोई खूबी इतनी नहीं है इसमें, ये सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात की करम नवाजी होती है किसी भी फर्ज पे। तो मतलब ये है कि हमारी कोशिश है कि हम नियत से अच्छा खिलाएं, तो अल्लाह की मेहरबानी से उसी का रिस्पांस आता है। और हमने फोकस किया है कि रेट के साथ साथ क्वालिटी, और नियत की भी मैंने बात की तो मेरे जितना भी मटेरियल हम ब्रांड का ही यूज़ करते हैं, मतलब खुद साख्ता अपना फिलपति नहीं होता। लेजी व्यूज, हमारी इटालियन स्टेक और ग्रिल पटोला सैंडविच गया है। हाँ, देखने में तो तबाहकुन मज़ेदार किस्म के लग रहे हैं। और उसके बाद इनकी प्राइस, मैं तो प्राइस पे हैरान हूँ कि प्राइस इतनी कम है। और रफ़ी भाई ने स्पेशल स्पेशल हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए ऑफ़र दिया है कि जो भी सब्सक्राइबर इधर रफ़ी भाई के पास आएगा और उनको बताएगा कि मैं फूडी भाई चैनल का सब्सक्राइबर हूँ, आपको 15% मजीद डिस्काउंट मिलेगी। इट मीन्स कि ये 350 वाली स्टेक 300 के अंदर, एंड मैन इट्स माइंड ब्लोइंग रेट। जिस तरह लोगों के रिव्यू लिया है, आई एम 100% श्योर के इट्स के इसका माइंड ब्लोइंग टेस्ट भी है। बाकी अभी खाते हैं तो आपको बताते हैं कि कैसी है। अगर आप इसको करीब से देखें तो मैं ये आपको बताऊंगा कि ये इसके अंदर ग्रिल्ड चिकन है जिसकी क्वांटिटी अच्छी खासी है, और ये साथ इसके अंदर ऑलिव्स भी हैं, और क्या क्या मैं बताऊं, ये चिप्स और इसके सॉसेस, और उसके बाद ये साथ एक पीस इनका जिंगा का भी है। सो इट्स अ हैवी लोडेड किस्म की ये सारी इनकी एक स्टेक है। और उसके बाद ये जब हम जाएंगे कि पटोला, ग्रिल पटोला सैंडविच की तरफ, तो इसकी सारी चीज़, सैंडविच का साइज़, चिकन का अंदर क्वांटिटी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ वंडरफुल मैन, वंडरफुल। और प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन में तो भैया इनके 100 out of 100 है ना, प्रेजेंटेशन तो बहुत ही औसम है। बाकी भी उस खाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। No words to say, man. No words to say. Basically, viewers, I am steak lover, a big steak lover. और इस रेट में ये स्टेक का जो वंडरफुल किस्म का टेस्ट है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये स्टेक बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसके सॉसेस, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल अपने लेवल पे है। बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की ये स्टेक है। अब हम इनका ट्राई करते हैं ग्रिल पटोला सैंडविच, डिफरेंट सा नाम है, ये ट्राई करते हैं। सिंपली वंडरफुल, बहुत मज़ेदार और बहुत ही डिफरेंट किस्म का मुझे टेस्ट आ रहा है। नॉर्मली जो सैंडविचेस मैंने खाए हैं, इस तरह का टेस्ट नहीं है। बहुत ज़्यादा क्रीमी है, और ये स्टेक भी बहुत ज़्यादा क्रीमी है, जूसी है, जो यार बहुत मज़ेदार है। मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप खाएँगे तो आपको पता चलेगा। अगर तो मैं करूँगा इस फूड को रेट आउट ऑफ 10, आई एम सीरियसली, मैं पहली दफ़ा ये कह रहा हूँ, आई विल गिव 11 out of 10। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्ट इज सुपर वंडरफुल एंड रेट्स आर
सुपर डुपर ट्रूपर वंडरफुल. सो दिस स्टेक एंड दिस सैंडविच डिजर्व्स 11 आउट ऑफ 10. सीरियसली हर लिहाज से देखा जाए रेट्स ऑल्सो बेटर ना, टेस्ट ऑल्सो बेटर. अगर टेस्ट और रेट दोनों आपके जेब के और टेस्ट के मुताबिक हो तो फिर 11 तो बनते हैं ना बॉस. ले जी व्यूज, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको भी इस तरह की किसी मज़ेदार सी जगह का पता. ले जी व्यूज, फूडी भाई को दे इजाज़त. टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.